नमस्कार, मी कविता. द डिस्कव्हरी टीव्ही न्यूज मराठीच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. कल्याण पश्चिम येथील गुरुकृपा बिल्डिंग मध्ये राहणाऱ्या गुप्ता परिवारात 35 लाखाचा गंडा घालून सचिन शिंदे नावाचा व्यक्ती फरार झाला आहे. बेतुरगर पाडा येथे गुप्ता परिवाराच्या शेजारच्या बिल्डिंग मध्ये राहणारा सचिन शिंदे यांनी वाधवा कॉम्प्लेक्स मध्ये माझे 4 फ्लॅट आहेत, त्यातला एक फ्लॅट मी तुम्हाला कमी दरात देतो अशी फूस लावून रेती सप्लायचा व्यवसाय करणाऱ्या सचिन शिंदे यांनी चक्क 35 लाख गुप्ता परिवाराकडून घेतले. त्यानंतर सचिन शिंदे सह त्यांचा संपूर्ण परिवार आता गायब असल्याचे गुप्ता परिवाराचे म्हणणे आहे. 2010 बुकिंगची रक्कम म्हणून सचिन शिंदे यांनी गुप्ता परिवाराकडून 1 लाख रुपये घेतले. त्यानंतर 2014 त्यांनी गुप्ता परिवाराकडून 35 लाख घेऊनही घराची कागदपत्रे आणि चावी गुप्ता परिवाराला दिली नाही. त्यानंतर सचिन शिंदे हा फरार झाल्याची तक्रार गुप्ता परिवाराने महात्मा फुले पोलीस स्थानकात केली. भारती साहेबलाल गुप्ता, मैं रहती हूँ गुरुकृपा सोसाइटी संदीप होटल के पास. 35 लाख रुपए लेके सचिन शिंदे भागा है. मैंने फ्लैट के लिए उसको पैसा दी थी. सचिन शिंदे और हम लोग बाजू बाजू के बिल्डिंग में रहते थे. सचिन शिंदे की माँ से मेरा अच्छी हमारी जान पहचान थी. बहन बहन के जैसा संबंध था. मैंने उनके ऊपर विश्वास किया. सचिन शिंदे ने बोला वाधवा मेडोस में मैं रेती सप्लाई करता हूँ, मेरे 4 फ्लैट है. मेरे बड़े लड़के की शादी होने वाली थी. हमारा 1 RK का फ्लैट था गुरुकृपा में. मुझे फ्लैट लेना था. सचिन शिंदे ने बोला कि मेरे को आप पैसा दीजिए, मैं आपको कम भाव में आपको फ्लैट दिलाता हूँ. मैंने उस पर और उसकी माँ पे उसके पूरे परिवार पे मैंने विश्वास किया और उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने 35 लाख रुपया दिए. उसके बाद में जब भी मैं उसके घर पर जाती हूँ उसकी बहन मुझे बोलती, मैं बोली अगर मैंने आपको पैसा दे रही हूँ तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा है. तो उसकी बहन और उसकी माँ बोलती, हमेशा पूनम शिंदे बोलती है कि मौसी उसका पूरा फ्लैट का पैसा दोगे तो ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा. और आपके फ्लैट का चाबी और पूरा कागज मेरे पास है, मैंने रखी हूँ. क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं आपकी लड़की के जैसी हूँ. मैंने उसके उसके माँ पे उसके घर वालों पे पूरा विश्वास किया, लेकिन उन लोग ने ना रजिस्ट्रेशन किया ना मेरा पैसा दिए. उसके बाद में मैंने बार बार उनके घर पे जाती थी, रोती थी, उनके हाथ पैर पकड़ती थी कि आप मेरा फ्लैट या मेरा पैसा दो. लेकिन उन लोग बोलते थे जब तक आप 35 लाख रुपया नहीं दोगे तब तक हम लोग आपका पैसा भी नहीं देंगे और फ्लैट भी नहीं देंगे. सचिन शिंदे ने बोला मैं रहती जहाँ सप्लाई करता हूँ वाधवा मेडोस में, वहाँ पे मेरे 4 फ्लैट है, उसमें से मैं आपको 1 फ्लैट दूंगा. तो मैंने हाँ बोली और फ्लैट देखने के लिए मैं मेरा बड़ा वाला लड़का हम लोग गए. उसकी माँ और उसकी बहन भी साथ में गई. उसने मेरे को एकदम लास्ट विंग में बोला ये देखिए ये आपका फ्लैट है, 3rd माले पे 301 फ्लैट नंबर दिखाया उसने. तो हम लोग को पसंद आया, हम लोग ने हाँ बोले. फिर उसके बाद में उसने बी टाइप ए में लेके गया, बोला ये देखो यहाँ के 3 फ्लैट है ना वो मेरे है, उसमें हम लोग खुद रहने को आने वाले. उसकी माँ और बहन दोनों ने बोला कि ये फ्लैट हम लोग भी इधर ही रहने आएंगे, ऐसा करके उसने बोला. और मैंने पूरा उस पर सचिन शिंदे, पूनम शिंदे, सविता शिंदे पे मैंने पूरा विश्वास किया. उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा हम लोग ने पैसा दिए, उसके बाद में उसको बोले अभी तो हम लोग 15 लाख दे दिए तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा है. तो वो बोलता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, आप मेरे पहले पूरा पैसा दो. हम लोग ने दीवान फाइनेंस से पहले लोन के लिए अप्लाई किए थे जो हमारा सेंक्शन हो चुका था. तो मैंने उसको बोली जब अगर तू रजिस्ट्रेशन करेगा तो फ्लैट का हम लोग को लोन मिलेगा. तो उसने बोला नहीं आप अपना फ्लैट मेरे को दो जिसमें हम लोग गुरुकृपा में रहते थे. तो मैं बोली नहीं वो फ्लैट मैं तुझे नहीं दूंगी, अगर मुझे रखना ही है तो मैं दीवान फाइनेंस में रखूंगी. तो वहां से वापस से हम लोग ने वो फ्लैट मॉर्गेज करके 11.5 लाख रुपया मैंने दीवान फाइनेंस से लोन ली और वो पैसा भी हम लोग ने उसको दिया. वो देने के बाद में एक दिन उसकी माँ बहन संतोष शिंदे और उसके बाप सब जन घर में थे. उन लोग ने मेरे को मेरे पति को अपने घर पे बुलाया. तो उसने बोला देखो तुम इनका पैसा दे दो, सचिन को पूरा पैसा दो, वो तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा. अभी वो 28 लाख में आपको फ्लैट नहीं देगा, फ्लैट का भाव बढ़ा है. तो उसने मेरे से 35 लाख रुपया मांगा. मैं वो भी देने के लिए तैयार हो गई. बोला अगर आप फ्लैट नहीं देते हो, फ्लैट का पैसा नहीं देंगे तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा. मैंने उस पर विश्वास किया, उसकी माँ पे, बहन पे. उसकी बहन हमेशा मेरे को बोलती थी कि आपके फ्लैट की चाबी और कागज दादा ने मेरे पास रखा है. मैंने उसको कितनी बार मैंने हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट किया कि पूनम खाली तू मेरे को अपने फ्लैट मेरे फ्लैट का कागज और चाबी दिखा दे. वो बोलती थी नहीं जब तक आप मेरे दादा का पैसा नहीं दोगे तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी. तर या होत्या द डिस्कव्हरी टीव्ही न्यूज मराठी. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास
स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता 9320210420. तर आता वेळ झालीये निरोप घेण्याची. नमस्कार.